हाय एवरीवन, चलिए अब हम शुरू करेंगे आपका टॉपिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, ओके। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, वुमेन डायरेक्टर एंड रेजिडेंट डायरेक्टर। ऐसा इसलिए बिकॉज थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, एंड जब एग्ज़ाम के अंदर आपके पास क्वेश्चन आता है तब वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सबको मिला के आता है कई बार, ओके। जो आपका वुमेन डायरेक्टर था, इसका सेक्शन था सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 149(1) प्लस रूल 3, ओके। और जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो है 149(4) प्लस रूल 4। तो इसके अंदर रूल 3 में ये बताया गया था कि भाई जो भी आपकी लिस्टेड कंपनी होगी और जो भी आपकी पब्लिक कंपनी होगी, जिसकी ये क्राइटेरिया है कि 100 करोड़ से ऊपर का शेयर कैपिटल हो और 300 करोड़ का टर्नओवर हो, उनको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, ओके। तो और जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसके अंदर क्या केस है, हर लिस्टेड कंपनी को 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, और जो भी बाकी अदर पब्लिक कंपनी है जो उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा कम है इससे, ओके, उनको कम से कम दो डायरेक्टर अपॉइंट करने होंगे। देख लेते हैं, यहां ये कहते हैं कि हर लिस्टेड कंपनी को एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, ओके। और जो भी आपकी अदर पब्लिक कंपनी है जो कि रूल 4 में बता रखा है कौन सी वाली कंपनी, तो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो, सिर्फ 10 करोड़, वुमेन डायरेक्टर के केस में कितना था, 100 करोड़, और टर्नओवर है इसका सिर्फ 100 करोड़, और वुमेन डायरेक्टर के केस में था 300 करोड़, और टोटल आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट एक्सीड 50 करोड़ और मोर, वुमेन डायरेक्टर के केस में ये नेल था। तो आपको मैंने यहाँ पे फिगर्स इसलिए लिखवा लिया ताकि एग्ज़ाम के अंदर ऐसा ना हो जाए कि जब क्वेश्चन आए आप कन्फ्यूज हो जाए कि किसका कौन सा फिगर था, राइट। तो इनको सिर्फ दो, कम से कम दो डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं इस टाइप की कंपनीज को, और वुमेन डायरेक्टर में था ओनली 1 डायरेक्टर। अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पे 1/3 के नंबर पे, 1/3 आपका कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो याद होगा आपको जब आपने पढ़ा था 152(6) में रोटेशनल डायरेक्टर, तो उसमें हमने पढ़ा था कि रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं आपके 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और ये 2/3 के अंदर कोई फ्रैक्शन होता है तो आप उसको 1 में कन्वर्ट कर देते हो। लेट से आपके पास 11 ये थे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो इसका आपने 2/3 किया तो दिस कम आउट्स टू बी 7.33, राइट। 22 / 3, 37 = 21, 10, हाँ 7.33। तो अब आप इसको 7 नहीं करोगे, आप इसको पूरा फ्रैक्शन को 1 में काउंट करोगे, आप इसको 8 करोगे, राइट। तो यही चीज़ आपका इसके अंदर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में। अब सपोज करो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 7 है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो आपकी कंपनी को लगाने होंगे वो है 1/3, इसको करो तो 3 × 2 = 6, देन अगेन 10, 2.33, तो डेट इज 3, ओके। और इस केस में आपके जो रिटायरिंग डायरेक्टर थे, रिटायरिंग डायरेक्टर जब हम ये पढ़ रहे थे 152(6), तो रिटायरिंग डायरेक्टर थे 1/3 ऑफ रोटेशनल, और वो थे नियरेस्ट टू 1/3। तो नियरेस्ट टू 1/3 में क्या होगा, अगर हमें रिटायरिंग की बात करनी है तो 7.33 आपका 7 माना जाएगा, 2.33 आपका 2 माना जाएगा। तो यहाँ पे ना आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, तीन अलग अलग चीज़ है। एक आपका, मैं वापस से समराइज कर देता हूँ, 152(6) के अंदर रोटेशनल डायरेक्टर जो आप निकालते हो, फिर रिटायरिंग डायरेक्टर निकालते हो, और फिर एक आप अपना 149(4) में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर निकालते हो। तो ये आपका 2/3 है ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, ये आपका 1/3 है ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर, और ये आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपको फ्रैक्शन को 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और इसमें आपको नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। कहीं पे आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं,
ये ऐसी चीजें हैं कि अभी तो आप अगर ध्यान नहीं दोगे, बाद में रिवीजन के टाइम भी आपको ये तकलीफ देगा, और एग्जाम में हो सकता है अगर आपका कंसंट्रेशन ठीक ना हो तो यहाँ आप एग्जाम में भी गलती कर सकते हैं। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पता लग गया कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कोई फ्रैक्शन होगा तो एक में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी कोई अदर पब्लिक कंपनी है तो रूल 4 अप्लाई होगा, उसमें देखेंगे क्राइटेरिया। इनमें से कोई भी एक अगर हो जाए और लिखा है, ठीक है, सॉरी यहाँ ऐसे भी और है, 10 करोड़ और मोर टर्नओवर, अगर ये एक्सीड हो जाए या आपका लोन डिबेंचर ये एक्सीड कर जाए 50 करोड़ से, तो फिर आपको सिर्फ दो, कम से कम दो बंदे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसे बिठाने पड़ेंगे। अच्छा, अब अगर कोई आपकी ऑडिट कमेटी बनती है एज पर 177(2), ये अभी हम वैसे लेटर ऑन बाद में पढ़ेंगे सेक्शन, तो ऑडिट कमेटी के अंदर क्या होता है, आपके मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो ऑडिट कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर, और कम से कम 3 डायरेक्टर कंसिस्ट होने चाहिए। तो 3 में आपकी मेजोरिटी अगर आपको बनानी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ओके, और हो सकता है ये भाई 3 से ज़्यादा भी डायरेक्टर हो। लेट से आपके पास 6 डायरेक्टर है ऑडिट कमेटी में, तो आपको 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, राइट? तो इफ ड्यू टू सच कॉम्पोजिशन एनी हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड, देन सच हायर नंबर विल बी अप्लाइड। तो यहाँ पे हमने वैसे बोल रखा है कि भैया आपके पास कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, बट अगर आपकी ऑडिट कमेटी में 6 बंदे हैं, 6 डायरेक्टर है, तो फिर आपको कम से कम 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। क्लियर है ये? अब आते हैं हम कैजुअल वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये आपका एकदम सेम है जैसा वुमेन डायरेक्टर का था, कि आपको भाई 3 महीने के अंदर वैकेंसी फुलफिल करनी है, 3 मंथ्स, और आपका नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग डेट है विच एवर इज लेटर, हैज टू बी फिल्ड एट अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ सच वैकेंसी और इमीजिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। यहाँ पे भी यही है, ठीक है। और अर्जेंसी कब है, जब आपका ये नंबर कम हो रहा हो। ऑल राइट, जो आपको मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं, अगर आपका एक डायरेक्टर चला गया और वो नंबर कम हो गया तो आपको अर्जेंट है ये। और अगर आपके पास सफिशियंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर एक चला भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब फिर ये अर्जेंसी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रूल 4, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट रिक्वायर्ड इफ कंपनी सीजेज टू फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशन फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। तो अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती 3 साल तक, ठीक है, तो फिर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। और ये जो फिगर्स आप चेक करेंगे ये लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगा। वुमेन डायरेक्टर के केस में भी यही था, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे भी यही है, यहाँ मैंने लिखवाया नहीं है बट आपको मैं बता रहा हूँ, ये रहा, लिखा है लिखा है लिखा है, एक्सप्लेनेशन टू रूल 4(1), ये आपका पेड अप शेयर कैपिटल लिख लीजिए चाहे तो, पेड अप शेयर कैपिटल है ये। टीओ आपका टर्नओवर, लोन एज एग्जिस्टिंग ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल बी टेकन इनटू अकाउंट। आगे क्या लिखा है, एग्जेम्प्टेड क्लासेस ऑफ कंपनी। तो एग्जेम्प्टेड क्लासेस के अंदर एक तो आपका डोरमेंट कंपनी है, एक आपका जॉइंट वेंचर्स है, और एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। कोई आपकी पर्टिकुलर कंपनी है जिसके अंदर हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख लाने हैं, तो उसकी कोई अगर होल्ली ओन्ड सब्सिडरी मतलब 100% जिसमें उसका शेयर है, तो उसमें फिर ज़रूरत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डाला है बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब अभी हमारे पार्ट 1 से ही रिलेटेड है। और अभी मैं क्या करूँगा, अपने नोट्स से आपको पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ाऊँगा, उसके बाद एक बार अपने स्टडी मटेरियल को मैं गो थ्रू करवा दूँगा कि देख लिए, हम देख लेंगे कि स्टडी मटेरियल से कुछ छूटा नहीं। ऑल राइट, तो पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं, XYZ लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है जी, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो हमें ये क्राइटेरिया देखना होगा, हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 20 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ से ज़्यादा है एज ऑन 31 मार्च 2017, एंड अ टर्न ओवर ऑफ 150 करोड़, ओके, ये भी 100 करोड़ से ज़्यादा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें अपॉइंट करने हैं XYZ लिमिटेड में। द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 13।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एक्स वाई जेड लिमिटेड. तो बेसिकली आपको ये पर्टिकुलर लिख के आना है, सेकेंड पॉइंट या फर्स्ट और सेकेंड पूरा ही लिख लीजिए, एवरी लिस्टेड कंपनी और अदर पब्लिक कंपनी. और उसके बाद ये दो पॉइंट आप लिखिए, और उसके बाद आप इस फर्स्ट पॉइंट का आंसर दीजिए कि मैक्सिमम हमको दो चाहिए, एटलीस्ट दो. ओके, हाउ मैनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर टू बी अपॉइंटेड इन केस एक्स वाई जेड लिमिटेड इज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी. अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो हमको कितने चाहिए, वन थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर विच इज 13. तो ये आपका आता है 3 4 12, देन 10.3. तो नियरेस्ट फ्रैक्शन जो भी है उसको आप वन में राउंड करोगे तो ये हो गया आपका 5. तो कम से कम आपको एटलीस्ट 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे अगर ये एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी होती तो. वॉट विल बी द कॉन्सिक्वेंसिस इफ एक्स वाई जेड लिमिटेड सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द रिक्वायर्ड कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 3 कॉन्टिन्यूस ईयर. तो अगर ऐसा है तो रूल 4(1) आपका वापस से अप्लाई हो जाएगा और आपको अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूल 4(1). ठीक है. If XYZ Limited, unlisted public company, were a dormant company, तो dormant company आपकी exempt है. यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है rule 4(2) के अंदर. ठीक है. What shall be the law relating to appointment of independent director? तो dormant company के अंदर dormant आपकी exempt होती है और इसलिए there is no requirement to appoint independent director. तो ये टाइप का क्वेश्चन आपका May 16, November 18 में आया हुआ था. ओके, तो देखा आपने इजी से क्वेश्चन आते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो ये पहला पार्ट आई होप आपको क्लियर है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें हमने बेसिकली ये पढ़ा है भाई हमें कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होते हैं कंपनी के अंदर. अब आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम किसे बना सकते हैं. Who can become independent director? और इसका जो सेक्शन है वो है 149(6). In relation to company, independent director mean a director other than managing director or whole time director or nominee director, and who fulfills following criteria. तो ये पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो स्पेशल, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो नहीं होता जो कंपनी को, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है. फिर अगर वही बंदा जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है तो फिर वो इंडिपेंडेंस काई की रही उसमें. ठीक है. तो कोई भी अगर की मैनेजरियल पर्सन है, ये अभी हम चलो बाद में पढ़ेंगे, अभी इसी के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा. तो MD होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ये कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कंपनी के अंदर रखवाते हैं, इसके लिए आर्टिकल्स अलाउ करना चाहिए पहली बात, और दूसरी बात ये एज पर कोई एग्रीमेंट हो बैंक और कंपनी के बीच या कोई अकॉर्डिंग टू कोई लॉ ये अपॉइंटमेंट हो रही हो. ओके, और इसका सेक्शन था 161(3). आगे बढ़ते हैं. इन ओपिनियन ऑफ बोर्ड वो इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी प्लस पोजेस रेलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस. तो इस हिसाब से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप भी अपने आप को आगे यू कैन पुट फॉरवर्ड योर सेल्फ, जब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए 5-10 ईयर्स बाद कि आप भी किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, उस कंपनी के फाइनेंस पार्ट को देखना चाहो, तो आप भी अपना नाम जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डाटा बैंक बनता है उसके अंदर डलवा सकते हैं. ओके, उसके बाद बी पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट बी अ प्रमोटर एंड शुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी प्रमोटर या डायरेक्टर ऑफ कंपनी, उसका होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी. ठीक है, तो दो बातें हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक तो या तो खुद तो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, या वो प्रमोटर और डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. कौन सा प्रमोटर और डायरेक्टर? कंपनी, उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी और उसके एसोसिएट कंपनी,
ऑल राइट right. तो ये पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. अभी हमने भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको एक बार वापस से इस पॉइंट पे लेके आऊँगा. आगे बढ़ते हैं. नो पेक्यूनियरी रिलेशनशिप, ये मतलब कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए खास, अदर देन रेम्यूनरेशन एज डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ इज टोटल इनकम और सच अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, तो 10% ऑफ टोटल इनकम कहाँ से आ रही हो? फ्रॉम कंपनी, उसका होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी, या उसके प्रमोटर या डायरेक्टर, और किस पीरियड के दौरान? ड्यूरिंग टू इमीजिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर, मतलब पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर के अंदर. ऑल राइट, तो ये बात को एक बार आप समझो वापस से. हम बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, वो किसी भी तरीके से कंपनी, उसकी होल्डिंग एंड सब्सिडरी या उसकी एसोसिएट कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर से रिलेटेड ना हो. ठीक है, इसका यार दोस्त ना हो. अगर इन सब का ऐसा हुआ तो फिर इंडिपेंडेंस काई की रहेगी. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक तरीके का चौकीदार है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चौकीदारी कर रहे हैं. वो ये देख रहे हैं जो लोग कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर है, वो कंपनी के अंदर कोई घपलेबाजी ना कर रहे हो, क्योंकि उस कंपनी के अंदर पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ है. ठीक है, तो इसके लिए हमने ये कहा है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका कंपनी के साथ कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 2 एक्सेप्शन है. एक तो उसको रेम्यूनरेशन मिल रही है, भाई वो डायरेक्टर बन रहा है, अपना टाइम दे रहा है, चौकीदारी कर रहा है, तो उसकी फीस तो लेगा, तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एक वो लेगा. या मान लो उसका कंपनी के साथ कोई काम चल रहा है, तो जो भी ये पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम का 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता फ्रॉम ये कंपनी या उसके प्रमोटर डायरेक्टर. क्लियर है? चलिए, सी पार्ट हो गया. अब करते हैं हम डी पार्ट. नन ऑफ वोज रिलेटिव हैज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. अब रिलेटिव जो आपका कंपनी एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखा है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, फादर सन का. ओके, तो एक कोई फादर है, वो किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो वो ये देखेंगे कि उनके जो सन है उसका ये सब कुछ ना हो उस कंपनी के अंदर. ठीक है, मतलब अगर फादर, ठीक है, क्लियर है, इजी है, समझ गए ना. तो इसके अंदर आपकी 4 टाइप की ट्रांजेक्शन्स हैं. ठीक है, तो सन की कोई होल्डिंग ना हो इन सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, मतलब शेयर्स ना खरीद रखे हों कंपनी के, होल्डिंग सब्सिडरी के या एसोसिएट कंपनी के, नॉट एक्सीडिंग 50 लाख. ठीक है, 50 लाख के ऊपर के, मतलब अंडर 50 लाख आप खरीद सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. या 2% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल और हायर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड. कब, किस पीरियड के दौरान? लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर एंड करंट फाइनेंशियल ईयर. तो यहां तक अभी तक तो सब सही है. इज सन इज नॉट इंडेब्टेड टू कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर इन एक्सेस ऑफ अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड. ये रूल 5 में बता रखा है. रूल 4 अभी हमने पीछे पढ़ा था, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कौन सी कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनी, क्या टाइप की कंपनीज का क्राइटेरिया दे रखा था. रूल 5 में अमाउंट बता रखा है 50 लाख, कि इन एक्सेस ऑफ 50 लाख उधारी वगैरह ना कर रखी हो इनके साथ. ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर और करेंट फाइनेंशियल ईयर. या कोई गारंटी ना दे रखी हो, या कोई सिक्योरिटी ना दे रखी हो इन कनेक्शन विद इनडेप्टेडनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू सेम. ठीक है, बाकी सब सेम है, सबब है. या वापस से वही पेक्यूनरी रिलेशनशिप आ गया, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी के साथ, अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, और इन कॉम्बिनेशन विद ये आपका 1, 2 और 3 रेफर्ड अबव. ओके, तो इसमें ज़्यादा आप टेंशन लेने की वो मत करना. ठीक, बहुत रेयर इधर से क्वेश्चंस आते हैं, और आते भी हैं तो आप कर लोगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं यहाँ से क्वेश्चन आता. ये तो था रिलेटिव के बारे में. अब उसके बाद आएगा ये ट्रांजेक्शन्स के बारे में, रिलेटिव की ट्रांजेक्शन्स. अब आएगा कि कोई पोजीशन ना होल्ड कर रखी हो कंपनी में,
वो नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड पोजिशन लाइक जैसे होल्ड और हेल्ड पोजिशन ऑफ KMP और एम्प्लॉई ऑफ कंपनी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी. अब आप यहाँ पे समझो KMP कौन होते हैं. KMP होता है आपका की मैनेजरियल पर्सन, जो कि कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में लगा हुआ है, जैसे कि हो गया कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, कंपनी का जनरल मैनेजर, कंपनी का CEO, कंपनी का CFO, कंपनी का MD. ओके, कोई कंपनी का नॉर्मल डायरेक्टर है जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स के अंदर आ रहा है और कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं है, तो ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, ओके, और मैं उस कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर नहीं हूँ, मतलब मैं ये नहीं कि कंपनी के अंदर घुसा हुआ हूँ, उस कंपनी के हर बिजनेस से मेरे को लेना देना है, मैं बस बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करता हूँ और जो कंपनी की पॉलिसीज़ है उसके अंदर मैं थोड़ा अपना गाइडेंस देता हूँ कि क्या करना चाहिए, तो आई कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मैं इस सेक्शन की वजह से या इस पर्टिकुलर प्रोविज़न की वजह से कोई मेरे को रोक नहीं सकता. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्लैरिटी रहनी चाहिए यहाँ पे हम कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं. ओके, अमाउंट की कोई बात नहीं है. अच्छा, इन इमीजिएटली प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये नहीं होना चाहिए. एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, रिलेटिव कैन बी एम्प्लॉई. तो अगर हम फादर सन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और मेरा बेटा उस कंपनी का MD है, तो हो सकता है, कोई इशू नहीं है. ओके, तो एम्प्लॉई को ये एक्सेप्शन है, सॉरी, रिलेटिव को ये एक्सेप्शन है. सॉरी, की मैनेजरियल पर्सनल में आपका MD आ गया. अगर मेरा बेटा एम्प्लॉई है, एक जैसे जनरल मैनेजर है, वो आपका एम्प्लॉई शॉर्ट में आ गया, तो रिलेटिव कैन बी एन एम्प्लॉई. की मैनेजरियल पर्सन के लिए यहाँ नहीं लिखा. आगे बढ़ते हैं, अब वापस से देखो, आइदर मी और माय रिलेटिव इज एन एम्प्लॉई और प्रोप्राइटर और पार्टनर. ठीक है, एम्प्लॉई, प्रोप्राइटर, पार्टनर किसका, कंपनी का नहीं, एम्प्लॉई, प्रोप्राइटर, पार्टनर ऑफ CA फर्म, फर्म ऑफ ऑडिटर, CA फर्म हो गया, या CS इन प्रैक्टिस, या कॉस्ट अकाउंटेंट. तो ये जो हमारे 3 प्रोफेशनल्स हैं, अगर मैं इनसे रिलेटेड हूँ, मैं इनका एम्प्लॉई हूँ, या मैं खुद ही पार्टनर हूँ, या मैं खुद ही प्रोप्राइटर हूँ, और इस कंपनी, इन कंपनीज के लिए मैंने काम कर रखा है, तो भी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता. ठीक है, सपोज करो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कंपनी है भारती. ठीक है, इस कंपनी का ऑडिटर है ENY, अर्नेस्ट एंड यंग, और उस EY का मैं एम्प्लॉई हूँ. ठीक है, EY ऑडिट करने आता है भारती का, तो मैं एम्प्लॉई था EY का, तो मैं भी करता था. इसका मतलब अब मैंने EY की नौकरी छोड़ दी, अब मैं चाहता हूँ मैं भारती ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज लास्ट 3 साल में मैंने EY के अंदर एज ए एम्प्लॉई बन के इस कंपनी का ऑडिट किया था. क्लियर है, सिंपल सी बात है. इसमें अब मैं भी इंक्लूड हो गया और मेरा बेटा भी इंक्लूड हो गया. अगर मेरी जगह मेरा बेटा एम्प्लॉई होता EY का, तो भी मैं भारती का नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो एक पॉइंट तो ये था. दूसरा पॉइंट है कि अगर मैं या मेरा बेटा, ठीक है, इज एम्प्लॉई, प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ ए लीगल और कंसल्टिंग फर्म. सपोज करिए कि हम लोग एडवोकेट्स हैं, ठीक है, और मेरी एडवोकेट इसकी फर्म है लॉ की. ठीक है, और मेरी ट्रांजैक्शन होती है इस कंपनी के साथ, और वो ट्रांजैक्शन जो मेरी फर्म की टोटल टर्नओवर है, लेट्स से मेरी फर्म की टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए, तो और इन कंपनियों के साथ मेरी टर्नओवर हो रही है 11 लाख की, विच इज़ मोर देन 10%, तो फिर ये अट्रैक्ट हो जाएगा ये पर्टिकुलर सेक्शन. अगर मेरी टर्नओवर है टोटल 1 करोड़, लेकिन इस कंपनी के साथ मेरी जो टर्नओवर है, जो मेरा बिजनेस हो रहा है, वो सिर्फ 5 लाख है, डेट इज़ 5% ऑफ माई टोटल टर्नओवर, तब ये सेक्शन मेरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा. सिंपल है, वही लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में. उसके बाद थर्ड पॉइंट है, होल्ड टुगेदर विद हिज रिलेटिव्स
2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। अब अगर कंपनी की 2% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर मेरे पास है तो भी मैं उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। इज अ सीईओ और डायरेक्टर ऑफ एनी एनपीओ, एनपीओ हो गया आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डेट रिसीव 25% और मोर ऑफ इट्स रिसीव्ड फ्रॉम ये कंपनी। अब देखिए हर कंपनी का ना एक वो होता है, सीएसआर विंग होती है, हर कंपनी का अपना एक फाउंडेशन होता है, ठीक है, जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। सपोज करिए कि इन्फोसिस है, इन्फोसिस ने अपना कोई नारायण मूर्ति फाउंडेशन बना रखा है, अब मैं उस फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ या सीईओ, क्या लिखा है, सीईओ और डायरेक्टर, अब मैं इस फाउंडेशन का सीईओ और डायरेक्टर हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है कि नारायण मूर्ति फाउंडेशन को मैक्सिमम चंदा यहीं से आता होगा, अपनी पेरेंट कंपनी जो इन्फोसिस है इधर से, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ लेट से 25% से ज़्यादा जो हमें डोनेशंस आती है वो इन्फोसिस से ही आती है। तो अब मैं बीइंग ए सीईओ और डायरेक्टर ऑफ दिस फाउंडेशन, आई कैन नॉट बिकम ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस, ठीक है, सिंपल है। और डेट होल्ड 2% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अब इसका मतलब ये हो गया, सपोज करो यार डोनेशन को गोली मारू, मैं ये कहता हूँ नारायण मूर्ति फाउंडेशन के पास 5% शेयर्स है इन्फोसिस के, ओके, मतलब 2% से ज़्यादा हो गया ना, तो भी इस फाउंडेशन का सीईओ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता इन्फोसिस का, समझ के। तो दो तरीके से हिट हो रहा है ये आपका जो फाउंडेशंस होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक तो जो उनको डोनेशन आ रहा है वो 25% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, या फिर 2% से ऊपर के शेयर्स नहीं होने चाहिए, क्लियर है। आगे नोट पढ़िए, 149(6) डज नॉट रिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ए डायरेक्टर इन द सब्सिडरी और होल्डिंग एसोसिएट कंपनी, ठीक है, डज नॉट रिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ए डायरेक्टर इन द सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी, ठीक है। अगर मैं किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ तो मैं उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी या उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी का भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ या एक नॉर्मल डायरेक्टर भी बन सकता हूँ। 149(6) डज नॉट रिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ ही इज ऑलरेडी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ए डायरेक्टर इन द सब्सिडरी। अच्छा, अगर मैं पहले से भी डायरेक्टर हूँ या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ तो भी 149(6) डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द अपॉइंटमेंट। ये मैंने अभी आपको बताया था ना, वही है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया था एक जगह, की मैनेजरियल पर्सन, ये रहा की मैनेजरियल पर्सन, ये पर्सन इंक्लूड होता है आपका इस तरह से जो कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट को देख रहे हैं, लाइक सीईओ, सीएफओ, वीपी, एमडी, ठीक है। कोई नॉर्मल डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो अगर कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और ये सब नहीं है तो ही कैन बिकम ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या उस कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ तक डन है। उसके बाद है आपका आगे अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3, 149(7) डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भैया ये जो 149(6) में अभी तक हमने इतना कुछ पढ़ा है ये मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, मैं एकदम साफ सुथरा हूँ, आई एम एलिजिबल। तो एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल गिव डिक्लेरेशन डेट ही मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर 149(6). तो 149(6) अब तो आपको याद हो ही गया होगा, इतना हैवी सेक्शन है। तो इन द फॉलोइंग मैनर, कब वो ये डिक्लेरेशन देगा, एक तो पहली बोर्ड मीटिंग में देगा और उसके बाद हर साल की जो पहली बोर्ड मीटिंग है उसमें देगा। एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट एंड देयर आफ्टर एट फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर और वेन एवर देयर इज एनी चेंज इन सर्कमस्टांसेज विच मे अफेक्ट हिज स्टेटस एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सिंपल से, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं आता नहीं है एग्जाम में, बट मालूम सब कुछ होना चाहिए, कभी भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पार्ट 4, कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज़ टू अबाइड बाय शेड्यूल 4, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5, 149(9) रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या मिलेगा, उसको एक तो ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शन,
क्योंकि आपने अभी पीछे ही पढ़ा होगा भाई 2% से ज़्यादा शेयर होने नहीं चाहिए, तो हम एक तरफ उसको स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं, उसके एक तरफ हमने ये लिख दिया कि भैया आपके पास 2% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए, तो दोनों फिर गलत बात हो जाएगी ना, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप स्टॉक ऑप्शन नहीं दे सकते। लॉजिक क्लियर है? उसके बाद सब्जेक्ट टू 197 एंड 198, ये अभी हम थर्ड चैप्टर में शायद पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। ही मे रिसीव रेम्यूनरेशन बाई वे ऑफ फी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 197(5), रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन बोर्ड मीटिंग, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज अप्रूव बाई मेम्बर। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखिए। रूल फोर ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट, अब ये जो अब की बार रूल है ये अलग रूल है, अभी तक हम जितने रूल पढ़ रहे थे वो थे आपके अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर वाले रूल्स, अब ये रूल है आपका अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल का। तो ये कहते हैं सिटिंग फीस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल नॉट बी लेस देन सिटिंग फीस ऑफ अदर डायरेक्टर। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका तो इतना रोल नहीं है, कभी कभार आते हो आप तो चौकीदार हो हमारे यहाँ के, आपको हम इतनी सिटिंग फीस नहीं देंगे, ऐसा नहीं कह सकते। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिटिंग फीस होगी विद दैट विल नॉट बी लेस देन सिटिंग फीस ऑफ अदर डायरेक्टर। तो ये पर्टिकुलर पार्ट से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा जब रिवाइज करें तो ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि इसको स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा, यही तीन चीज़ें मिलेगी, और उसकी सिटिंग फीस बाकी डायरेक्टर की फीस से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं टेन्योर की। तो टेन्योर एक आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। चलिए पढ़ते हैं, इसके बाद आपका ये टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये आखिरी टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बस रीडिंग करनी है दो तीन टॉपिक की, और थोड़ा आपको अपने स्टडी मटेरियल से मैप करने और थोड़े क्वेश्चंस देखने हैं। तो मैं पहले आपको पेपर पेन पे समझा देता हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो टेन्योर होता है वो होता है मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर वो बंदा सही लगे कंपनी को और आप उसको वापस से रीअपॉइंट करना चाहो तो उसको आप रीअपॉइंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड शेयर होल्डर उसको रीअपॉइंट करवाते हैं विद पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, और अगेन फॉर मैक्सिमम 5 ईयर्स। तो 5+5, 10 ईयर्स के लिए कोई भी बंदा आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। तो सिर्फ दो ही टर्म्स अलाउड है। अब आप क्या करते हो कि आपने फर्स्ट टाइम कोई बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया सिर्फ 3 साल के लिए, ओके, आपने उसको अपॉइंट किया फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर, आपको बंदा पसंद आया, अगली बार आपने उसको अपॉइंट किया फॉर 5 ईयर्स। तो अब आपको अभी भी वो बंदा पसंद है, आप उसको फिर अपॉइंट करना चाहते हो, अब नहीं कर सकते। आप बोलोगे क्यों सर, यहाँ मैक्सिमम 5 बोला था, 5+5 10 बोला था, अभी तो 2 साल रहते हैं और कर दो। नहीं, सिर्फ 2 टर्म्स के लिए अलाउड है, आप चाहे उसके अंदर 1 साल के लिए अपॉइंट करो, 6 महीने के लिए करो या 5 साल के लिए करो, ठीक है। 2 टर्म्स के बाद उसको कुछ टाइम के लिए घर पे बैठना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं कूलिंग पीरियड। जैसा कि आपने स्मॉल शेयर होल्डर्स में पढ़ा था, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के अंदर 3 साल का कूलिंग पीरियड होता था, 3 साल के लिए अपॉइंट होता था, फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड होता था। ऐसे ही आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर जो कूलिंग पीरियड है वो देख लीजिए, इसमें भी आपका 3 साल का कूलिंग पीरियड है, ठीक है। तो पढ़ते हैं टर्म, अप टू 5 consecutive year सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152, ठीक है। तो 152 के अंदर वही सब था आपका, 152(3) के अंदर डिन नंबर होना चाहिए, 4 में डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, 5 में कंसेंट दे दे। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑन ए पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये मैंने आपको अभी बताया ही था, बाय द कंपनी एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन बोर्ड्स रिपोर्ट। ये बात आपको मैंने नहीं बताई, ये आप याद रख लेना प्लीज, ठीक है। फर्स्ट प्रोविजो टू 169(1) जो है आपका, ये रिमूवल ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है।
अगर आपने अपॉइंट उसको स्पेशल रेजोल्यूशन से किया है तो आप उसको हटाओगे भी बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन सेकेंड टर्म में. लिमिट ऑन होल्डिंग ऑफ ऑफिस, भाई आप मैक्सिमम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए ऑफिस होल्ड कर सकते हो, उसके बाद आपको 3 साल के लिए बैठना पड़ेगा, देयर विल बी अ कूलिंग पीरियड, और इन 3 साल में आप किसी भी कैपेसिटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते. शेल नॉट बी अपॉइंटेड और एसोसिएटेड विद कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यही सेम आपका रूल स्मॉल शेयर होल्डर के लिए था, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए था. कुछ नोट दे रखे हैं यहाँ पे मैंने. नोट वन, अ टर्म ऑफ लेस देन 5 ईयर वुड बी परमिसिबल, जैसा मैंने अभी आपको बताया था एक एग्जाम्पल में, एंड इट इज टू बी ट्रीटेड एज वन टर्म. सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म कैन बी लेस देन 10 ईयर. ठीक है, समझ गए, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था. नोट टू क्या कहते हैं, MCQ, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है. एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मैक्सिमम 2 consecutive terms या मैक्सिमम टर्म ऑफ 5 consecutive year. तो लॉजिकली आप देखो, बात तो दोनों ठीक है भाई, वो दो टर्म के लिए भी हो सकता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम 5 consecutive year. बट एक चीज़ आप देखो, एक बार वो 5 साल के लिए बन गया, उसके बाद अगर उसको वापस से रीअपॉइंट होना है तो शेयर होल्डर्स को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. मतलब इस पॉइंट के बाद आके एक बैरियर आ गया. तो MCQ के अंदर इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है, तो आपको इसको चूज करके आना है. ऑल राइट, तो करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम टर्म ऑफ 5 consecutive year, बिकॉज आफ्टर दैट स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर रीअपॉइंटमेंट. नोट 3, आफ्टर कूलिंग पीरियड कैन बी अगेन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ठीक है, एक बार ये 3 साल बीत जाए उसके बाद वापस से उसको अपॉइंट करना है, कर दो जी, 5 साल के लिए अपॉइंट कर दो. और आपको क्या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए? नहीं जी, आप सिंपल उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर दो. ठीक है, नोट 1, 2, 3 इज नॉट ए प्रोविजन बट इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन. तो एक्चुअली जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ट्विस्ट करके घुमा फिरा के, तो उस वजह से मैंने ये 3 नोट्स बनाए थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब बस अपने को ये रीड ही करना है, 149, 12, 13 एंड एक ये पॉइंट है, तो देख लीजिए क्या लिखा है, पढ़ के ख़त्म करते हैं इसको. 149, 12 लाइबिलिटी की बात करता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम अपॉइंट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसका क्या फ़र्ज़ है, वो कब लाइबल होगा? तो वो जनरली तभी लाइबल होगा जब कंपनी में कोई गलत काम हुआ है उसकी कंसेंट से, उसकी विद इन हिज नॉलेज. ठीक है, या उसकी लापरवाही से. एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट बीइंग प्रमोटर और की मैनेजरियल पर्सन शैल बी लाइबल फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय कंपनी विच अकर्ड विद हिज नॉलेज. एक्ट्स एट्रिब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस. भाई कोई काम, कोई गलत काम हुआ है जिसका बोर्ड मीटिंग के अंदर पूरा डिस्कशन हुआ है, ही वॉज द पार्ट ऑफ दैट बोर्ड मीटिंग, और उसका काम था विसल ब्लो करना, उसने चौकीदारी ठीक से करी नहीं, तो ही विल बी लाइबल. Act with his consent, ठीक है. Act where he has not acted diligently, मतलब उसकी negligence है, तो उसकी knowledge से हुआ है, उसके consent से हुआ है, उसके सामने हुआ है, और he has not acted diligently. तो याद रखिए. Retirement by rotation, भाई retirement by rotation ये provision independent director पे apply नहीं होगा. Provision covered under 152(6) and 7 not applicable to appointment of independent director. और मैंने वहाँ पे आपको ये भी पढ़ाया था कि जब आप total number of director count करते हो तो उसके अंदर आप independent director को include नहीं करोगे. Total number of director के अंदर आपका independent director include नहीं हो रहा. ठीक है, independent director is different from nominee director. वैसे तो ये हम कर चुके हैं discuss, but फिर भी पढ़ो स्टडी मटेरियल में क्या बता रखा था. मैंडेटरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है डेट इज मैंडेटरी. ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिजायर और गवर्नमेंट रिक्वायर सच अपॉइंटमेंट टू रिप्रेजेंट इट्स इंटरेस्ट. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट इज मैंडेटरी फॉर प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज. नहीं, यहाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, ये नॉमिनी डायरेक्टर है. ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट इज मैंडेटरी ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिजायर. भाई जिस बैंक ने लोन दिया है, अगर उसकी इच्छा होगी, वो कहे कि मैं अपना एक बंदा आपकी कंपनी में एज ए डायरेक्टर बिठाऊंगा तभी आपको लोन दूंगा,
तभी आप नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करोगे। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप कब अपॉइंट करोगे, जब आपका वो जो प्रोविज़न है 149(4) वो आपको कंप्लाई करना है तब। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट वन मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा कोई रूल नॉमिनी डायरेक्टर में नहीं है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक मीटिंग हमेशा हर साल करनी पड़ेगी, जिसमें बस वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही आपस में मिलेंगे, और कंपनी के मैनेजमेंट से कोई भी बंदा नहीं होगा, और कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल लेके जैसे कि आपका CEO, CFO, MD, ये लोग भी नहीं होंगे उस मीटिंग के अंदर। सिर्फ एंड सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, और एक मीटिंग मैंडेटरी है। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑल राइट, तो ये आपके सारे प्रोविजंस थे। एक बार मैं मोटा मोटा फटाफट आपको स्टडी मटेरियल से दिखा देता हूँ। स्टडी मटेरियल में आप चाहो तो खुद पढ़ लेना बाकी, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, 2, 3, 7, 8, टोटल 7 क्वेश्चंस और हैं। ये एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे कि क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनका कैसे आंसर देना है। तो फटाफट आप देख लीजिए स्टडी मटेरियल से, ये आपका टॉपिक 12 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बता रखा है कि लिस्टेड कंपनीज में 1/3 है अदर पब्लिक, और यहाँ नोट देखो, स्पेशल नोट दिया है, एनी फ्रैक्शन कंटेन्ड इन 1/3 शेल बी राउंडेड ऑफ एज 1। फिर आपको अदर पब्लिक कंपनीज के बारे में बताया है, ये कहा है रूल 4, ये देखिए रूल 4 में 10 करोड़, 100 करोड़ का टर्नओवर, 50 करोड़ बाकी, और इनको एटलीस्ट 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होंगे। हायर नंबर के बारे में यहाँ बात कर रखी है ऑडिट कमेटी की, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर कैजुअल वैकेंसी के बारे में बात हो गई, ये हमने डिस्कस कर लिया। ड्यूरेशन ऑफ कंडीशंस आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, ये आपका रूल 4(1) में आता है कि अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर तक कोई भी ये सब बात नहीं होती तो फिर उस पर्टिकुलर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और एक ये क्लैरिफिकेशन आ गया एक्सप्लेनेशन टू रूल 1(4)(1) की, लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ से आप इन फिगर्स को चेक करोगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद एग्जेम्प्टेड क्लासेस आ गए आपके, जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी। फिर उसके बाद अगले पेज पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है 149(6) के अंदर। तो ये बोला है सबसे पहले तो कि MD नहीं हो सकता, होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। और बोर्ड के ओपिनियन में वो बंदा जो वो इज़ अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, पोजेस रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। फिर उसके बाद ये आपका वही प्रमोटर वाला आ गया कि खुद प्रमोटर ना हो, ठीक है, और नॉट रिलेटेड, साथ ही प्रमोटर और डायरेक्टर से रिलेटेड भी ना हो, किसके, कंपनी के, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर ये सब चीज़ें आएंगे, आपको और क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर ये पेक्यूनरी रिलेशनशिप की बात हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपका नन ऑफ वोज रिलेटिव, ये सारी बात हमने डिस्कस कर ली है। फिर फिफ्थ में आपका ओपोजिशन आ गया, नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी रिलेटिव होल्ड एनी पोजिशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल और इज हैज़ बिन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, हाउ एवर इन केस ऑफ ए रिलेटिव, रिलेटिव फादर सन की बात करें तो मान लीजिए फादर डायरेक्टर बनना चाहते तो सन एक रिलेटिव हो गया, वो इज एन एम्प्लॉई, द रिस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई फॉर इज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है जी। फिर यही सारी बातों को हमने कवर किया है, ये 6th पॉइंट रिपीट है जो ऊपर हमने किया था उसका, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149(7) कि भाई फर्स्ट मीटिंग में, फिर हर साल की पहली मीटिंग में, और जब भी कोई चेंज आए तब उसको डिक्लेयर करना है। कोड्स फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये मैंने आपको बताया, शेड्यूल 4 फॉलो करना है। रेम्यूनरेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि स्टॉक ऑप्शन उसको मिलेगा नहीं, उसको क्या मिलेगा, फीस मिलेगी, उसको एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट मिलेगा, और उसको सिटिंग फीस मिलेगी, और एक उसको प्रॉफिट मिलेंगे, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज मे बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स।
टेन्योर के बारे में फिर आ गया कि भाई उसका टेन्योर 5 consecutive years तक रहेगा और रीअपॉइंट हो सकता है अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाए, ठीक है। और अगर उसको रिमूव करना है सेकेंड टर्म में तो फिर उसको रिमूव भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन से ही कर सकते हो। और लिमिट ऑन होल्डिंग ऑफ ऑफिस, 2 consecutive term से ज़्यादा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। कूलिंग पीरियड 3 years का था ये लिखा, और ये 3 साल के अंदर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, ठीक है जी। लायबिलिटी ये हमने डिस्कस कर लिया है कि उसकी नॉलेज से कुछ हो रहा हो, उसकी कंसेंट से कुछ हो रहा हो, उसने डिलीजेंटली एक्ट ना किया हो, और एट्रिब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस। रिटायरमेंट बाय रोटेशन अप्लाई नहीं होता, इनफैक्ट जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है उसमें ही वो काउंट नहीं होता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनी डायरेक्टर, तो ये पूरा पैराग्राफ के अंदर 2 पॉइंट मेरे को मेन मिले वो मैंने आपको लिखवा दिए, बस डेट्स ऑल। ये आपका स्टडी मटेरियल के अंदर था। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ये कुछ एक पर्टिकुलर आपको पॉइंट बताए हैं, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ डिसीजन लिए हैं तो वो वैलिड है कि इनवैलिड है आपको ये बताना है। तो पहला पॉइंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी विच इज़ नॉट लिस्टेड एट एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब अनलिस्टेड कंपनी है, हैविंग टर्नओवर ऑफ 500 करोड़, डिसाइड नॉट टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर ऑन द कंपनीज बोर्ड। तो आप इसमें ये लिखिए कि एज्यूमिंग दैट कंपनी इज ए पब्लिक कंपनी, ठीक है, और फिर आपको ये वुमेन डायरेक्टर में सेकंड प्रोविजन टू 149(1) उसका प्रोविजन बताना है, और फिर बताना है कि भाई कम से कम जैसे वो आपका 300 करोड़ क्रॉस कर जाता है टर्नओवर, तो आपको वन वुमेन डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो इन दिस केस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहा है डेट इज इनवैलिड, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन गलत है। ऑल राइट, तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा, ये आपको लिख के आना है, ओके। सेकंड पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड एट एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड नॉट टू अपॉइंट ए रेजिडेंट डायरेक्टर। भाई रेजिडेंट डायरेक्टर तो ऐसा बंदा है जो कोई सी भी कंपनी हो, इंडियन कंपनी, अब एक तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, ये अपने 149(3) में हमने पढ़ा था, तो ये भी बोर्ड का डिसीजन गलत है। तो एटलीस्ट वन डायरेक्टर वो स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज हैज टू बी अपॉइंटेड इन कंपनी। थर्ड पॉइंट है आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ डिसाइड नॉट टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द कंपनी इज लिस्टेड एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, अगर पहले देखिए, अगर लिस्टेड नहीं भी होती, अनलिस्टेड होती और पब्लिक कंपनी होती, 10 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो उनको रखना ही पड़ता, कम से कम मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ते। बट अब जब ये कह दिया कि ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो इट डजेंट मैटर कि कितनी टर्नओवर है, आपको 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर रखने पड़ेंगे एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है ये बात? और इसके अंदर आप अपना ये पूरा प्रोविजन लिख के आएंगे, 149(4). ठीक है जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए लिस्टेड पब्लिक कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2017 कंप्राइज ऑफ, अब कैसे हैं, मिस्टर ए डायरेक्टर, मिस्टर बी डायरेक्टर, मिस्टर सी डायरेक्टर, चौथा बंदा मिस्टर डी बी डायरेक्टर है, देन एक वुमेन डायरेक्टर है मिसेज ई, और वो साथ में इंडिपेंडेंट भी हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो येस, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो कंपनी का वुमेन डायरेक्टर का भी पर्पज सॉल्व हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी हो गया। ये ऐसा कहीं नहीं लिखा कंपनीज एक्ट में कि दो अलग अलग बंदे होने चाहिए, एक ही बंदा वुमेन डायरेक्टर भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। मिस्टर एफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो टोटल 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और 4 नॉर्मल डायरेक्टर है, 7 डायरेक्टर्स हैं कंपनी के।
अब क्या होता है, मिस्टर डी एंड मिसेस ई, तो एक ये वाला बंदा और एक ये मैडम मिसेस ई वैकेट देयर ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप ऑन 15 अप्रैल 2017, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन्स ऑफ द कंपनी एक्ट एंड वॉट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू सजेस्ट विच कैन बी टेकन अप बाय द कंपनी इन दिस रिगार्ड। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर प्रोविज़न बताना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए और वुमेन डायरेक्टर कितने होने चाहिए। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अपना प्रोविज़न लिख देना, 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आपका सेक्शन था, 149(4), ठीक है। और वुमेन डायरेक्टर का था आपका सेकंड प्रोविज़ो 2, 149(1). तो इसके हिसाब से एक मैंडेटरी है, और इनके हिसाब से भाई ये लिस्टेड कंपनी है क्या, लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के अंदर कितने चाहिए थे अपने को, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो ये तो आपने किया पहले प्रोविजन बताया, अब आपने देखा फैक्ट्स ऑफ द केस। तो आपने इसमें लिखा भाई आपके दो बंदे छोड़ के जा रहे हैं, मिस्टर डी एंड मिस्टर मिसेज ई, ठीक है, मिस्टर डी एंड मिसेस ई वेकेट्स द ऑफिस। सो नाउ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 5, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अपने पास 2, वुमेन डायरेक्टर है अपने पास 0। सो अगर हम ये प्रोविजन अप्लाई करें तो अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन तो कंप्लाई हो रहा है, बट वुमेन डायरेक्टर हमको एक अपॉइंट करना पड़ेगा, ये आपको लिखना है, ठीक है। आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ, अच्छा, जो वुमेन डायरेक्टर आप एक अपॉइंट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, नॉर्मल भी हो सकते हैं, ये भी आप लिख देना। फिर आप लिखो आगे, आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ 1 वुमेन डायरेक्टर कॉम्पोजिशन वुड बी लाइक दिस। वापस यही, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हो गए अपने पास 6, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज्यूमिंग कि जो हमने वुमेन डायरेक्टर अभी अपॉइंट किए हैं वो एक ही है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो 2 हो गए, वुमेन डायरेक्टर 1 हो गए। तो अगर आप 6 का भी 1/3 करोगे तो 2 ही आता है। तो अभी अब आपका जो टोटल रिक्वायरमेंट है 149(4) का और सेकेंड प्रोजेक्ट 149(1) का अब मीट कर रहे हैं। तो ये आपका टोटल इस तरीके से आपको आंसर लिख के आना है। तो आप व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू सजेस्ट विच कैन बी टेकन अप बाय कंपनी इन दिस रिगार्ड। तो कंक्लूजन आप दे दीजिए कि कंपनी हैज टू मैंडेटरीली अपॉइंट 1 वुमेन डायरेक्टर, वेदर शी इज इंडिपेंडेंट और नॉट दैट डज नॉट मैटर, बट 1 वुमेन डायरेक्टर हैज टू बी अपॉइंटेड फॉर श्योर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं। कंसिडरिंग द रेगुलेटरी प्रोविजन्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द रूल्स देयर ऑफ रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन अ कंपनीज बोर्ड, स्टेट वेदर जेड लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जेड लिमिटेड का टर्नओवर कितना है, शेयर कैपिटल कितना है, उन्होंने कोई लोन या डिपॉजिट तो नहीं लिया पब्लिक से, ये तो बताया नहीं है। आगे पढ़ते हैं, ऑल्सो स्टेट वेदर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस। फिर आपको कुछ एक अलग केसेस दे दिए। तो अब ये एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे ऐसे आप बेवकूफ नहीं बन जाना ये समझ के कि जेड लिमिटेड के लिए रिगार्डिंग ये पॉइंट्स हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है। स्टेट वेदर जेड लिमिटेड, इसका आपको एक अलग आंसर देना है और इन सब का आपको अलग आंसर देना है। तो इसका आंसर देने के लिए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो आपको 149(4) के अंदर जो आपका रूल है, ये रूल 4, ये लिख के आना है, ठीक है। और फिर लिख देना अगर जेड लिमिटेड इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो फिर यस, जेड लिमिटेड को 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। ओके, अच्छा, एक और चीज़ ये रूल 4 याद करने का,
149 सबसेक्शन इसका क्या है, 4 है, तो रूल भी 4 है. ऑल राइट. एक आपको 151 का मैंने याद कराया था, 151 का टोटल था 7, तो इसका रूल 7. और इससे पहले वुमेन डायरेक्टर में आपका रूल है 3. सेकेंड प्रोविजो टू 149(1) और उसके बाद रूल 3. चलिए ये पॉइंट आप कर लेंगे. इसमें आपको सिंपल बस प्रोविजन ही बताना है. उसके बाद नीचे लिखा था पब्लिक कंपनी हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़. तो 10 करोड़ है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो यस अपॉइंट करने पड़ेंगे. कितने डायरेक्टर? एटलीस्ट 2. ठीक है. अब पूछे व्हाट विल बी योर आंसर इन केस द कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल इज ओनली 2 करोड़. ठीक है. तो 2 करोड़ के केस में नॉट रिक्वायर्ड, बट आपको आगे अपना ये डिस्क्लेमर देना है, वी हैव टू चेक द टर्नओवर आल्सो ऑफ द कंपनी एंड आल्सो वी हैव टू सी हाउ मच लोन और डिपॉजिट द कंपनी हैज टेकन, बिकॉज इफ टर्नओवर एक्सीड्स आपका टर्नओवर 100 करोड़ था और वो 50 करोड़ था. इफ टर्न ओवर एक्सीड्स 100 करोड़ या आपका आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर एक्सीड्स 50 करोड़, देन ऑल्सो कंपनी हैज टू अपॉइंट एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो ये आपको बट करके जरूर लिख के आइएगा. थर्ड पॉइंट है आपका वेदर अ पर्सन वो होल्ड द पोजिशन ऑफ ए की मैनेजरियल पर्सनल इन द सेम कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो ऑब्वियसली आपको पता है 149(6) के अंदर आपने पढ़ा ही था कि अगर आप पहले से की मैनेजरियल पर्सनल हो, ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स में भी हो, तो आप कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते. तो वो लिख के इधर आ जाइए. अगला है इन रिलेशन टू मैंडेटरी वुमेन डायरेक्टर एज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट शुड सच डायरेक्टर ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा था, ना ही सेकंड प्रोविजो टू 149(1) में लिखा था, ना ही 149(4) में लिख रखा है कि वुमेन डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना पड़ेगा, इसलिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सिंपल है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. मिस्टर पर्सन टुगेदर विद वन ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड 3% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड. तो जो थ्रेश होल्ड था वो कितना था? 2% था, इफ यू रिमेंबर 149(6)(e) में. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड हिम एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ सच अपॉइंटमेंट. तो ये अपॉइंटमेंट आपकी वॉइड है, इनवैलिड है, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो सिंपल सा आपको इसके अंदर 149(6) का ई पार्ट बता के आना है कि भाई 2% से ज़्यादा अगर वोटिंग राइट है तो आप एलिजिबल नहीं हो, और इसलिए जो ये अपॉइंटमेंट की गई है दिस इज इनवैलिड. ओके, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. कैन मिस्टर एक्स अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ ए कंपनी बी अपॉइंटेड इन इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और इट्स एसोसिएट कंपनी. तो यस, ही कैन बी अपॉइंटेड. ये हमने यहाँ पे पढ़ाई था, मैंने आपको अच्छे से क्लियर करके पढ़ाया था कि आप की मैनेजरियल पर्सन हो तो नहीं हो सकते. अगर आप डायरेक्टर हो, नॉर्मल डायरेक्टर कंपनी के या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो फिर आप किसी भी और कंपनी में होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में हो सकते हो. तो ये आपका वो रहा 2% वाला जो अभी हमने पीछे पढ़ा था. सॉरी, ये नहीं, ये रहा. ठीक है, थर्ड पॉइंट ई पार्ट 149(6)(e) और एक ही आपका 149(6)(e) में ये पहला पार्ट है. तो ये रिस्ट्रिक्ट करते की मैनेजरियल पर्सन्स को, ठीक है, या एम्प्लॉई को, डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता. यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया भी है 149(6) डज नॉट रिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ ही इज ऑलरेडी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अ डायरेक्टर इन द सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी. तो इधर आप लिख भी लो, रेफर क्वेश्चन नंबर 6 था शायद, नहीं तो ऐसे ही आंसर आपको समझ में ना आए मे बी रिविजन के टाइम. तो क्वेश्चन नंबर 6, रेफर क्वेश्चन 6. ओके, आगे बढ़ते हैं भाई. मिस्टर आजाद एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एक्स कंपनी वॉज अपॉइंटेड इन द AGM फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स.
ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब ये एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ 3 साल के उल हुआ। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर ही वॉज री अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक है जी, कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको फिर से 5 साल के लिए बना दिया। कंसिडरिंग डेट मिस्टर आज़ाद हैज़ कम्प्लीटेड 2 टेन्योर बट हैज़ नॉट कम्प्लीटेड 10 ईयर्स इन टोटल, देयरफॉर ही मे बी अपॉइंटेड इन द अपकमिंग AGM फॉर अनदर 2 ईयर्स। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया अभी था, सेम ही एग्जाम्पल मैंने ऑलमोस्ट आपको दिया था। ठीक है, तो क्या लिखा है, अपकमिंग AGM फॉर अनदर 2 ईयर टू कम्प्लीट हिज टोटल टर्म ऑफ 10 ईयर्स इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट द वैलिडिटी ऑफ री अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आजाद फॉर फर्दर टर्म इन द कंपनी। तो ये इनवैलिड है, इसमें आपको पूरा वो टेन्योर वाला सेक्शन लिख के आना है, उसके कूलिंग पीरियड के बारे में भी बता देना, और यहाँ पे लिख देना जो कंपनी की इंटेंशन है टू अपॉइंट हिम फॉर अनदर 2 ईयर डेट इज टोटली रॉन्ग एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, सेक्शन इसका आई थिंक 149(10) था, देख लेते हैं एक बार। टेन एंड इलेवन, तो 149(10) and 11, और ये पूरा आपको प्रोविजन लिख के आना है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा था, ये नोट 1 से रिलेटेड है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, तो आपको थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन इसमें बढ़ाना पड़ेगा। जानता हूँ घंटे भर से वीडियो चल रही है, ओके, तो थोड़ा सा टफ होगा इस वक्त आपको कंसंट्रेट करना, बट प्लीज़ कीजिए, क्वेश्चन टफ भी है, इंपॉर्टेंट भी है, मेरे को अच्छा भी लगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या कहते हैं, VGP लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ एज ऑन 31st March 2018। मिसेस जैस्मीन वो वॉज वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ PDS लिमिटेड अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ VGP लिमिटेड वॉज अपॉइंटेड एज वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ VGP लिमिटेड। ठीक है, VGP लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग प्रपोजल्स। तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक हमने एक बस वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, किन्हें, मिसेस जैस्मीन को अपॉइंट किया है। कहाँ पे अपॉइंट किया है, ऑन द बोर्ड ऑफ VGP लिमिटेड। आपको इसमें ध्यान देना है, दो कहानियाँ चल रही हैं, एक VGP लिमिटेड की और एक PDS लिमिटेड की। तो ये जो मिसेस जैस्मीन है, ये PDS लिमिटेड की प्रमोटर है, और ये PDS लिमिटेड जो है, ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है VGP लिमिटेड की। ठीक है, तो आई कैन से डेट PDS लिमिटेड इज़ ए एसोसिएट कंपनी ऑफ VGP लिमिटेड। ठीक है, अब आगे कुछ ये प्रपोजल्स दिए गए हैं, पढ़ते हैं। टू रिमूव मिस्टर जेड एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु वॉज रीअपॉइंटेड फॉर ए सेकेंड टर्म। ठीक है, अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बीच में से उसके ऑफिस से हटाना है, तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ये कौन से सेक्शन में कहा गया था, आई थिंक 149(10) में लिखा था। नो, ये आपका, फर्स्ट प्रोविजो टू 169(1) में लिखा है, और 149(10) and 11 के अंदर भी है कि रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो फर्स्ट प्रोविजो टू 169(1). प्लस 149(10). ओके, अगला पॉइंट, टू अपॉइंट मिस्टर एन नॉमिनी डायरेक्टर इन द बोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, VGP लिमिटेड की बात कर रहे हैं। VGP लिमिटेड के अंदर ये कह रहे हैं कि जो मिस्टर एन है वो पहले से ही नॉमिनी डायरेक्टर है, अब हम उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बना देते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपका जो 149(6) में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, उसके अंदर सबसे पहले पॉइंट में ये लिख रखा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ अ डायरेक्टर वो इज़ नॉट ए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देख लीजिए,
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर एंड वो फुलफिल्स फॉलोइंग क्राइटेरिया. तो ये तो साहब पॉसिबल ही नहीं है अब. ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? टू अपॉइंट मिसेस जैस्मीन एज एन इंडिपेंडेंट कम वुमेन डायरेक्टर. तो वुमेन डायरेक्टर तो उन्हें हमने अब यहाँ पे अपॉइंट कर ही दिया था, वो एकदम ठीक है. आपको फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर बताना भी पड़ेगा, सेकंड प्रोविजो 2149(1), इसके अंदर आप ये बताएंगे कि वुमेन डायरेक्टर हमने इनको ऐसे अपॉइंट किया है. प्लस ये भी लिख दीजिएगा कि वुमेन डायरेक्टर इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है वुमेन डायरेक्टर के लिए. ओके, तो और पॉइंट आपका क्या है कि क्यों नहीं ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती मिसेस जैस्मिन? बिकॉज ये है VGP लिमिटेड और जो इसकी एसोसिएट कंपनी है PDS लिमिटेड, उसकी ये प्रमोटर हैं खुद. ठीक है, तो 149(6) के अंदर जो आपका सेकंड पॉइंट था, पहला पॉइंट तो ये नॉमिनी डायरेक्टर वाला था, सेकंड पॉइंट में लिख रखा था कि ये खुद प्रमोटर नहीं होनी चाहिए या रिलेटेड नहीं होनी चाहिए प्रोमोटर या डायरेक्टर से ऑफ कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी. एक बार प्रोविजन को वापस से देखिए. देखिए, नॉट ए प्रमोटर, जो कि हमारे केस में तो प्रमोटर खुद ही है, प्लस नॉट रिलेटेड टू एनी प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी, इट्स होल्डिंग एंड सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी. तो यहाँ पे आप एक चीज का बहुत अच्छे से खास ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करने वाली बात है. रिलेटेड, जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तब तो प्रमोटर और डायरेक्टर दोनों का नाम आ रहा है. ठीक है, मतलब रिलेटेड के टाइम में प्रमोटर और डायरेक्टर दोनों का नाम आ रहा है, बट जब सिर्फ ये कहते हैं सीधा वो खुद ही प्रमोटर ना हो, तो यहाँ पे खुद ही डायरेक्टर नहीं लिखा आ रहा, प्रमोटर और डायरेक्टर. ठीक है, तो डायरेक्टर नहीं लिखा आ रहा. तो इसका मतलब अगर कोई बंदा किसी कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है, ये वाला डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, ये तीन छोड़ के MD, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, इन तीन को छोड़ के कोई और टाइप का डायरेक्टर है तो वो बन सकता है. तो इस हिसाब से अगर वुमेन डायरेक्टर है तो वुमेन डायरेक्टर बन सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट वो वुमेन डायरेक्टर साथ ही साथ एक प्रमोटर भी थी, इसलिए हम यहाँ पर मना कर रहे हैं. समझ गए? और नहीं समझे तो अभी एक और पॉइंट है, उसमें अच्छे से समझ जाओगे. बात समझ में आई इसकी, इंडिपेंडेंट कम वुमेन डायरेक्टर की? तो यहाँ पे इस बात का आप रट्टा मत मार लेना कि कोई चले बाद में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें लिखा है कि भाई ये वुमेन डायरेक्टर है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए हैं, जैसा एक पीछे क्वेश्चन में था भी जहाँ पे 5-6 डायरेक्टर थे अपने, ये वाला. तो इसके अंदर तो ये है ना मिसेज ई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर भी हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं. तो रीज़न आप समझ गए आई होप. यहाँ पे रीज़न ये था कि जो मिसेज जैस्मिन है वो प्रमोटर हैं एक एसोसिएट कंपनी की, इसलिए वो नहीं बन सकती इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. डन है यहाँ तक. उसके बाद विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द अबव प्रपोजल. तो ये तो तीनों की वैलिडिटी हम डिस्कस कर ही चुके. एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर ऑलरेडी मेड. तो जो यहाँ पे इन्होंने वुमेन डायरेक्टर ऑलरेडी बनाया है तो ये एकदम परफेक्टली वैलिड है. और ये भी फिर हमने वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको ये भी लिखना है कि सेकेंड प्रोविजो में ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दे रखा वुमेन डायरेक्टर के लिए. ठीक है, अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं आपको ये कह रहा था, क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा. सेकंड पॉइंट है वेदर मिस्टर एन कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ PDS लिमिटेड. अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम में हम लोग ना थोड़ा जल्दीबाजी में होते हैं तो क्वेश्चन कई बार ठीक से पढ़ते नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है. अब आपने देखा होगा इस सेकेंड पॉइंट में भी इसकी बात हो रही है, टू अपॉइंट मिस्टर एन नॉमिनी डायरेक्टर इन द बोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. यहाँ पे वापस से, अब अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ो तो आपको ऐसे लगेगा ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, जबकि ये पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं VGP लिमिटेड के अंदर कि क्या हम VGP लिमिटेड के अंदर जो मिस्टर एन एक नॉमिनी डायरेक्टर है उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं. उसका आंसर है नहीं बना सकते. यहाँ हम पूछ रहे हैं क्या वही जो मिस्टर एन जो VGP लिमिटेड में नॉमिनी डायरेक्टर है, क्या उनको PDS के अंदर हम बना सकते हैं क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर?
तो भैया बनाओ ना, किसने रोका है? ठीक है, तो इसका आंसर देने के लिए लेकिन आपको वो 3 पॉइंट्स जहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो सकता है वो लिख के आना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो आपका वही है 149(6) के अंदर, कि जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इज द वन हु इज नॉट ए एमडी WTD और नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन एमडी WTD नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है, इन रिलेशन टू कंपनी। तो यहां पे कहीं पे भी ये लिखा है कि भैया होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी में नहीं हो सकते, कहीं नहीं लिखा है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे भी अभी मैंने आपको बताया था कि नॉट ए प्रमोटर लिखा है और फिर नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर, तो डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, खुद तो डायरेक्टर हो सकते हैं ना, अदरवाइज यहाँ लिखा होता नॉट ए प्रमोटर और डायरेक्टर। तो आपको ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, फिर आपको ये बताना है कि भाई कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्टर किसी दूसरे मतलब होल्डिंग होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर एक आप पॉइंट ये वाला भी बता दो कि मैनेजरियल पर्सन आपके इंक्लूड होते हैं, जैसे कंपनी का MD, CEO, CFO, जो कंपनी के ऑपरेशंस को हैंडल कर रहे हैं, कोई नॉर्मल डायरेक्टर आपका KMP के अंदर इंक्लूड नहीं होता, तो इस पॉइंट को भी आप बता दो। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट का, तो आपको ये तीनों पॉइंट बताना पड़ेगा, 149(6) का ये पहला पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, फिर ई पार्ट। ठीक है, इसमें KMP वाला आ रहा है, इसमें वो प्रमोटर वगैरह वाला आ रहा है, और इसमें आपका नॉमिनी डायरेक्टर वाला आ रहा है। ऑल राइट, उसके बाद आप लिखेंगे कि भाई इन तीनों ही प्रोविजंस के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कोई भी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। सो वी कैन मे इफ सो एन कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यस। ठीक है, ओके। अब थर्ड पॉइंट है, इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंटाइटल्ड फॉर स्टॉक ऑप्शन, तो इसका आंसर है नो। ये आपने पढ़ा था अपना 149(9) में आई थिंक, ठीक है, 10 और 11 तो 10 ईयर से रिलेटेड था, 9 वुड बी रिलेटेड टू आपका रेम्यूनरेशन, यस, ओके। तो आप ये लिख देंगे ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शन एज पर 149(9), डेट्स इट, इतना से। तो चलिए, आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पे फिनिश होता है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसका रिवीजन आप जब करें तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा प्रोविजंस के अंदर, स्पेशली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले थे 149(6), उसके अंदर वो डायरेक्टर वाला फंडा थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, वो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड वुमेन डायरेक्टर का भी आपको पता लग ही गया होगा कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज सच कुछ भी नहीं होता है, दे कैन बी अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट ये वाले क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपने देखा कि वुमेन डायरेक्टर ऑलरेडी शी वॉज अ प्रमोटर ऑफ अ रिलेटेड कंपनी, ठीक है, या प्रमोटर ऑफ ए कंपनी, तो इसलिए उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते थे। तो ये सब बातें थी थोड़ी, आई होप सब कुछ क्लियर है। अगर कोई आपको इसमें अभी भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।